नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम रोज रात को 8 बजे आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक सेकेंड बाइक से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देख कर जाए तभी आपको इस बाइक के बारे में हर एक चीज बारीकी से समझ में आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देख कर जाए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, जिसमें आपकी सेफ्टी से प्रति और हमारे चैनल के मतलब आपके साथ स्कैम ना हो जाए उसके प्रति हमने आपको बहुत सी जानकारियां बताई थी उस वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को लास्ट में आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज रात को 8 बजे आपके लिए एक सेकंड बाइक का वीडियो लाते हैं, तो उसी के चलते आज भी मैं आपके लिए एक सेकंड बाइक का वीडियो लेके आया हूं। तो कौन सी है बाइक, कौन सी है मॉडल, कितनी है प्राइस, कितने किलोमीटर चली हुई है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देख के जाए तभी आपको उस बाइक के बारे में हर एक जानकारी समझ में आएंगी। आप वीडियो को अधूरा देखते हो फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हो, पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। दोस्तों उस बाइक की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप उस बाइक की कुछ सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर हम उसका अंडर रिव्यू में मैं आपको पूरी जानकारी उसकी प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों सिनेमैटिक शॉट आप एंजॉय कर लीजिए तब तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सिनेमैटिक शॉट में आपने उस बाइक की हर एक चीज देख ली होगी। तो अब कर लेते हैं हम उसका टोटली अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा उस बाइक के बारे में, फिर आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा उस बाइक से रिलेटेड। दोस्तों अंडर रिव्यू सबसे पहले बात करते हैं उसके ब्रांड की। तो आप सब जानते हो कि यामा का ब्रांड है। दोस्तों बात करते हैं उसके मॉडल की कि वो यामा का कौन सा मॉडल है। यामा की तो हजारों बाइकें आती हैं, तो वो कौन सा मॉडल है दोस्तों, वो है यामा का FZS। जी हाँ दोस्तों, यामा का FZS वर्जन 2.0। दोस्तों अब बात करते हैं उसके ईयर ऑफ मॉडल की कि कौन से सन का वो मॉडल है। दोस्तों वो बाइक है सन 2019 का लेटेस्ट मॉडल जो लॉन्च हुआ था, वो वर्जन 2.0 2019 का मॉडल है। दोस्तों इंजन कंडीशन, टायर कंडीशन आपने सिनेमैटिक शॉट में देख ली, फिर भी इधर मैं आपको स्क्रीनशॉट बाइक की फोटो डाल दूंगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं उसके किलोमीटर की कि एक्चुअल में वो बाइक कितने किलोमीटर चली हुई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उससे किलोमीटर की, वो बाइक कितने किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों वो बाइक जेन्युइन किलोमीटर चली हुई है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि मीटर को रीसेट या रिफ्रेश किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल 30,000 किलोमीटर ही चली हुई है। दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि आर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, इजिली आर सी ट्रांसफर हो जाएगी। आप किसी के नाम, आप अपने नाम इस बाइक को आ जाते हो तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और आपको मिल जाएगी। मॉडल मैंने आपको बताया 2019 का मॉडल है, आज चल रही है सन 2021, तो तकरीबन 2 साल पुरानी गाड़ी है और आज 1.5 लाख के लगभग आ रही है। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको आगे बता दूंगा। प्राइस बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से RTO में रजिस्टर्ड है। दोस्तों RJ14 राजस्थान जयपुर के RTO में रजिस्टर्ड है। तो राजस्थान जयपुर से जो भाई इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए तो ये काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। बाकी ओल्ड राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसको परचेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये बाइक राजस्थान के सभी।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि आप राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगी RJ14, तो राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जिलों में आराम से चलेगी। जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ, कुछ अजीब से अजीब शब्द अजीब प्रकाश निकल जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कर देना। दोस्तों राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट में ये बाइक चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों अब आपको मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइडिंग करा दी, फिर भी अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर जरूर कर दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली इसकी प्राइस की, जो कि सभी लोग इसकी प्राइस का वेट करते हैं। दोस्तों आज इस तारीख में सन 2021 की बात करें तो ये आ रही है 1.5 लाख से ऊपर, वर्जन 2.0 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1.5 लाख से भी ऊपर की आ रही है, लेकिन ये सन 2019 का मॉडल है और मात्र 30,000 किलोमीटर चली हुई है। तो ये बाइक आपको मिल जाएगी 47,000 रुपये, या दोस्तों मात्र 47,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों ये बाइक आपको, ये प्राइस आपको थोड़ी हाई लग रही होगी, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ मैं, अपने चैनल पर जितनी भी बाइक की प्राइस होती है वो प्राइस नेगोशिएशन प्राइस होती है, ऐसा नहीं कि प्राइस फिक्स है। आप एक बार बाइक को देखे, बाइक की टेस्ट ड्राइव कीजिए, फिर फाइनल प्राइस आप डीलर से बैठ के आप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार मेरा डीलर से कोई कमीशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद डीलर के पास जाइए, मैं भी आपको डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, डीलर से बात कीजिए, बाइक की टेस्ट ड्राइव कीजिए, फिर फाइनल प्राइस आप फिक्स कर लेना। ये प्राइस नेगोशिएशन प्राइस है, ऐसा नहीं कि प्राइस फिक्स है। दोस्तों अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अब मैंने पूरी डिटेल बता दी, लेकिन अब आप बोलोगे कि यार बात कैसे करें, जिसकी बाइक ओनर से बात कैसे करें। तो दोस्तों इधर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है सामने डिस्प्ले पे, दोस्तों ये ही डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके अलावा इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं है। और अगर कोई बंदा कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता है तो आपको उससे बात भी नहीं करनी है, क्योंकि वो स्कैमर है और आपके साथ स्कैम चल जाता है। दोस्तों ना तो आपको मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, और ना ही जो बंदा कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ता है उसको आपसे बात भी नहीं करनी। और एनीवे कोई बंदा आपको हमारे चैनल्स का नाम लेके, हमारे डीलर का नाम लेके, हमने जो बाइक का वीडियो बनाया उसका नाम लेके आपसे एडवांस पेमेंट लेता है तो आपको उसको एडवांस पेमेंट भी पे नहीं करना है, वो स्कैम कर जाते हैं आपके साथ। आपसे एडवांस पेमेंट के नाम पे आपसे कुछ पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि मैं बाइक आपके होम एड्रेस पर डिलीवर करा दूंगा, आप मेरे एड्रेस पर देना। फाइनली मैं आपसे टोटली एक बात बोलना चाहूँगा कि एडवांस पेमेंट कभी भी किसी को पे नहीं करना है, बहुत खतरनाक तरीके से स्कैम चल रहा है ऐसे मामलों में भी। तो बस जब तक आप बाइक को खुद ना देख लो, खुद की अपनी आंखों से खुद टेस्ट ड्राइव ना कर लो, तब तक आपको एडवांस पेमेंट कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी को भी पे नहीं करना है, चाहे वो हमारे चैनल का नाम ही क्यों ना ले। और एक बात बता दो, मैं और हमारे डीलर कभी भी आपको आगे से कॉल नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा हमारा नाम लेकर आपको आगे से कॉल करता है तो आपको उससे बात नहीं करनी है, वो स्कैमर है आपसे, और आपको उसको कुछ पैसे भी नहीं देने हैं, वो हमारे नाम से आपसे कुछ पैसे ले सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको, दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का गला मना बनाती हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक और वीडियो में एक और सेकेंड बाइक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ओके, थैंक यू।